नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में हैं और मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन नीचे वाले दांतों की सफाई के बारे में। क्या आपको ये नीचे के दांत साफ करना बड़ा मुश्किल जा रहा है, या फिर कितना भी घिस लो ये नीचे एक परत सी हमेशा जमती रहती है और कैलकुलस फॉर्म होता रहता है? आप सभी का स्वागत है मेरे शो टीथ टॉक थर्सडे में और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मानसी शाह पे। सो दोस्तों, आज हम जब बात कर रहे हैं इन नीचे वाले दांतों की, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनको साफ करना इतना मुश्किल क्यों है। बहुत सारे लोगों में ये जो नीचे के दांत हैं वो आगे पीछे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो इनको साफ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका ब्रश वहां पहुंच नहीं पाता है। दूसरा कारण है कि अंदर वाली लेयर है हमारी, उसे ब्रश करने के लिए हमें एक एंगल पे ब्रश पकड़ना पड़ता है और फिर उसके बाद उसकी सफाई होती है। बहुत बार हम ब्रशिंग के एक्शन को ही मिस कर देते हैं। फिर आता है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है, हमारे जीभ के नीचे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब ऐसी ग्रंथि जो थूक बाहर फेंकती है। तो ये जो थूक बनाने वाली ग्रंथि है, इसमें होते हैं मिनरल्स, और ये जो प्लाक और मिनरल्स जब साथ में आ जाते हैं तब हमारे मुंह पे ये कैलकुलस बना देती है, उस प्लाक को कठिन या हार्ड बना देती है। अगर आपको क्वेश्चन है कि ये प्लाक और ये कैलकुलस क्या है, तो मैं बता देती हूँ कि प्लाक मतलब हमारे मुंह पे एक परत जो इजिली हमारे ब्रश से साफ हो सकती है। कैलकुलस या टार्टर से हम बोलते हैं, वो परत होती है दांतों पे जो जम के बैठ जाती है, जो हमारे ब्रशिंग से आसानी से निकलती नहीं है। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? सो सबसे पहला और महत्वपूर्ण है अच्छे से ब्रशिंग करना। जी हाँ, अगर आपको जानना है कि ब्रशिंग की स्टाइल क्या होनी चाहिए, तो ये मेरा वीडियो जरूर देखें, मैं लिंक यहाँ पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ। ब्रशिंग करते वक्त ध्यान रखें कि हम सिर्फ उसे घिस नहीं रहे हैं, एक राउंड मोशन दे रहे हैं। अंदर के लेयर्स ऑफ ब्रशिंग को हम भूल नहीं रहे हैं, दांतों को ब्रश को एक अच्छे से एंगल दे के फिर हम ब्रशिंग कर रहे हैं। ब्रशिंग के साथ साथ एक फ्लोरिडेट ऐसा टूथपेस्ट जो जेल बेस्ड नहीं है, फ्लोराइड बेस्ड है, जिसमें फ्लोराइड है, ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और हम हमारे सारे सर्फेसेस को क्लीन कर रहे हैं। अब जब बात सारे सर्फेस की क्लीन करने की आती है, तो हमारा दूसरा जो इलाज है वो है फ्लॉस यूज करना। जी हाँ, फ्लॉस एक ऐसा धागा है जो मेडिकेटेड है और दांतों के बीच की सफाई करने के लिए बाजार में उपलब्ध होता है। और ये जो फ्लॉस है वो हम दो दांतों के बीच में डालते हैं, उसे दो दांतों के बीच की सफाई या गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस फ्लॉस को फ्लॉसर, यानी इस धागे को एक स्टिक पे जब हम बांध देते हैं, हम उसे फ्लॉसर कहते हैं। इससे आपको बहुत आसानी से, मतलब फ्लॉस टेक्निक सेंसिटिव है, तो ये फ्लॉसर उसी का रूप है और बहुत आसानी से आप दो दांतों के बीच के इस डिवाइस के साथ सफाई कर सकते हैं। फिर आता है अगर आपके दांतों के बीच में काफी गैप्स है, बड़ी बड़ी स्पेसिंग ज्यादा है, तो आप इंटरडेंटल ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इंटरडेंटल ब्रश के काफी फायदे हैं, ये काफी हद तक कैलकुलस को बिल्डअप होने देता ही नहीं है। मेरे पेशेंट्स इसका इस्तेमाल करके बहुत ही खुश है और मुझे धन्यवाद देते हैं कि वाह, आपने तो एक मैजिक ब्रश बता दिया है हमें। तो डेफिनेटली इस ब्रश को इस्तेमाल करना ना भूलें। और हाँ, अब तीसरा ऑप्शन है माउथ वॉश का इस्तेमाल। हमें जैसे हमारे डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं वैसे माउथ वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये प्लाक बिल्डअप ज्यादा हो रहा है, तो एटलीस्ट एट नाइट, रात को हमें ये माउथ वॉश यूज करना ही चाहिए और फिर सोना चाहिए, जिससे ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करे और बिल्डअप होने से बचाए। नेक्स्ट है कि हम डेंटिस्ट के पास जाके ये जो हार्ड हुआ कैलकुलस है वो साफ कर ले। ये जो परत हमारे दांतों पे आ गई है उसे पहले साफ करना चाहिए, और ये आपके घर में साफ नहीं होगा, आपको डॉक्टर के पास ही जाके इसे साफ करना होगा। इसे साफ करने के बाद इसे मेंटेन करें अच्छे ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के साथ। हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और देखें कि क्या आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं,
दांतों में कोई और तो तकलीफ नहीं है और आपके दांत अच्छे है या नहीं। नेक्स्ट है कि बहुत सारा पानी पिए और विटामिन सी का इंटेक बढ़ाएं। पानी से आपका मुंह हमेशा हाइड्रेटेड रहेगा। ड्राई माउथ में कैलकुलस या प्लाक ज्यादा जल्दी फॉर्म हो जाता है और ऑफकोर्स आपका जो सलाइवा है वो भी उसमें मिनरल्स ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है बिकॉज ज्यादा अमाउंट में वो थ्रो होता है। और फिर मैं विटामिन सी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके मसूड़े सूज रहे हैं या उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया है पहले वाले प्लाक या कैलकुलस बिल्डअप से तो उसे ठीक होने में ये विटामिन सी मदद करेगा। विटामिन सी नींबू संतरा इन सब चीजों में अवेलेबल होता है। आप आसानी से इन्हें कंज्यूम करके आपके बॉडी का विटामिन सी इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों मैं बड़ी दादी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस तरीके से ही आप रोज अगर ब्रशिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपके मुंह में आपको एक बदलाव दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा कि हाँ मेरे दांतों में वो जो प्लाक या येलो परत सी फॉर्म हो रही थी वो अब नहीं फॉर्म हो रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मानसी शाह। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, पुणे सिटी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अगर आपको कोई भी सवाल है कि दांतों को कैसे, दांतों की हेल्थ कैसे मेंटेन करें या फिर दांतों को साफ कैसे करें, दांतों के बारे में कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली आप तक पहुंचूंगी, आपके सवालों के जवाब मैं डेफिनेटली दूंगी। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसे भी देखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल डॉक्टर मानसी शाह को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक वो नोटिफिकेशन आए और आप तक वो वीडियो पहले पहुंचे। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने घर परिवार के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो और मेरा बाकी सारा कंटेंट पसंद आता है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ओरा फिट रहे। थैंक यू।